मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? मेरा नाम है दीपाली कोटारे। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? लक्ष्मी नगर। कितने साल का है आपका बच्चा? 10 ईयर्स ओल्ड है। मैम क्या देख रहे थे आप अपने बच्चे के लिए? एक अच्छा स्कूल जिसमें वो आजकल के टाइम में जैसे इंग्लिश वगैरह बोलते हैं वैसे बोल सके। मैम कौन कौन से स्कूल्स आपने कंसीडर किए थे अपने बच्चे के लिए? लवली पब्लिक किया था। कहाँ पर? लक्ष्मी नगर में ही है वो भी। और मौसम विहार किया था, डीएवी के लिए देखा था, दयानंद विहार में भी भरा था और मौसम विहार में भी भरा था, बस आसपास ही भरा था। मैम इन स्कूलों के अलावा और भी कोई स्कूल्स चुने थे आपने? नहीं, वो हमारी फीस की पहुंच से बाहर थे जैसे रियान इंटरनेशनल वगैरह, तो फिर इसलिए उनके बारे में नहीं सोचा। कौन सा स्कूल इन स्कूलों में से आपने फाइनली चूज किया और क्यों मैम? मैंने मौसम विहार का स्कूल फाइनली इसलिए चूज किया क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल है मैंने उनसे कोचिंग ली हुई है, तो मेरे लिए वो आइडियल थी कि वो अच्छा सा कराती होंगी। मौसम विहार में कौन सा स्कूल आपने चुना? डीएवी। डीएवी, हाँ जी। ओके मैम, और कोई खास वजह डीएवी पब्लिक स्कूल को चुनने की? स्कूल का स्पेस अच्छा है इस वजह से मैंने डाल दिया अपने बच्चे को उसमें। मैम कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ? मैडम ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जैसे कि जो एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, वो चीज़ नहीं है। बाकी उनकी बच्चों का जो बेसिक ज्ञान होता है वो तो उनसे शायद अच्छा होगा, लेकिन जो उनकी बोल्डनेस है वो उनसे कम है। डीएवी पब्लिक स्कूल की कुछ ऐसी दो बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हूँ मैम? पंचुअलिटी और अवेयरनेस बच्चों के बारे में। और कुछ? जो एक संस्कार का ज्ञान देते हैं जैसे उसमें धर्म शिक्षा वगैरह कुछ सब्जेक्ट है जिनसे बच्चों को बेसिक बातें पता चलती हैं जो उनके धर्म से रिलेटेड है, जिससे उनमें गुड क्वालिटीज आती है। डीएवी पब्लिक स्कूल के अंदर कुछ ऐसा जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपको लगता है? हाँ, बच्चों में इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं है जैसे कि पब्लिक स्कूलों में है ना, बड़े बड़े रियान वगैरह में वो सब नहीं है, और बोल्डनेस कम है बच्चों में, शाई चल। और कुछ मैम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में जो आपको लगता है होना चाहिए? यह कि जो बच्चों की इंग्लिश वगैरह है जैसे आजकल अच्छे स्कूलों में इंग्लिश पे जोर दिया जाता है वो कम है। 1 से 5 के स्केल में जहाँ 1 का मतलब है आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब है आप पूरी सिफारिश करेंगे, तो आप डीएवी पब्लिक स्कूल के दूसरे पेरेंट्स को कितनी सिफारिश करेंगे? 3%। 3 नंबर। मैम आपने 3 मार्क्स दिए, कोई खास वजह? नहीं, वजह तो कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा है, अच्छा होते हुए भी कुछ ना कुछ कमियां तो सब में रहती हैं। थैंक यू सो मच मैम।